पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है हाफिज सईद काट रहा है 78 साल जेल की सजा, यूएन ने दी जानकारी। भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति का सी जिनपिंग से अनुरोध, कहा हमें पर्यटकों की जरूरत है। आम नागरिकों की मौत अस्वीकार, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने दोस्त इजराइल को दिया झटका, संघर्ष रोकने की मांग। आगरा के NH-19 पर ट्रक ने 20 गाड़ियों को रौंदा, 3 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। आज अयोध्या में बैठक करेंगे भाजपा नेता, 2 माह तक चलने वाले राम मंदिर दर्शन कार्यक्रम की तैयारी होगी पूरी। भूटान आप चुनाव में शेयरिंग की पार्टी विजयी, सबसे अधिक सीटें जीत सत्ता में वापसी, पीएम मोदी ने दी बधाई। मोदी सरकार ने मरीजों को दी कई राहत, सफदरगंज सहित दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में नई सेवाएं शुरू। ठंड के दौरान दिल्ली में राशन की दुकानों की समय सीमा तय, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दिए निर्देश। दिल्ली में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाकर तैयार, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन होगा अनावरण। दिल्ली पंजाब से ही नहीं मानेगी AAP, कांग्रेस को बता दिया लोकसभा चुनाव का प्लान 5। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।